और ये देख सकते हैं ये इनका छत्ता है, ये बिल्कुल जीरो लाइन पे हैं जी हम, ये बिल्कुल जीरो लाइन पे, ये बॉर्डर पे आए हम। यहाँ पे भी काफ़ी छतें हैं, ये छोटू भाई की छत जिन्होंने अरसपुरा बॉर्डर बेल्ट की जो चैम्पियनशिप हासिल की है फर्स्ट पोजिशन। काफ़ी बड़ा लॉफ्ट इनका, तीन दिन के बाजी में ये उड़ा और ये देखिए इसके तीन स्टैंपें लगी हैं, ये देखिए। जी दोस्तों क्या हाल चाल है सब भाइयों का, तो इस टाइम मैं दोस्तों सही कलान मोइल बिल्कुल जीरो लाइन बॉर्डर की मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। इस टाइम मैं आया हूँ जहाँ पे एक टूर्नामेंट चल रही थी वन टू वन तीन दिन की सोनू भाई और काली भाई की, तो ये देख सकते हैं कितने सभी भाई यहाँ पे जश्न मना रहे हैं जी बाजी विन का। और मैं आपको बताता हूँ कौन भाई और इनके छत का भी व्यू दिखाऊँगा आप दोस्तों को, और कबूतरों का भी शौक रहूँगा और कितने घंटे से ये जीते हैं मैं आपको उसका भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे एंड तक। ये देख सकते हैं ये सभी भाई इन्हीं के मेंबर हैं सभी, देखिए कितने भाई साहब जहाँ पे मौजूद हैं इस टाइम बाजी वो ये सभी देखने आए थे। और ये देखिए मैं इनके घर आ चुका हूँ इस टाइम, इनके छत इनके व्यू है और ये देख सकते हैं ये इनका छत है, ये बिल्कुल जीरो लाइन पे हैं जी हम, ये बिल्कुल जीरो लाइन पे, ये बॉर्डर पे आए हम। यहाँ पे भी काफ़ी छतें हैं, ये छोटू भाई की छत जिन्होंने अरसपुरा बॉर्डर बेल्ट की जो चैम्पियनशिप हासिल की है फर्स्ट पोजीशन में, सभी छतें ये देखिए। और ये छोटू भाई के बेटे काफी सारी छतें हैं जी यहाँ पे, दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो हमारे चैनल पे न्यू है, और लाइक कमेंट्स जरूर करें आप दोस्तों को कैसे लग रही है वीडियो। ये बहुत ही नज़दीक है जी बॉर्डर के हम, सही नेकवाल जहाँ पे टूर्नामेंट चल रही थी वन टू वन की भी चल रही थी सोनू दीवानकर के साथ काली भाई के, वे देखिए सभी भाई यहाँ पे मौजूद हैं इस टाइम विनर वाली छत पे काले भाई के छत पे, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों हम आपको इनके कबूतरों का भी शो करवाते हैं और भाई जी से पूछते हैं जी कितने लीड से ये जीते हैं। तो देख सकते हैं जी इस टाइम ये सभी भाई यहाँ पे छत पे खड़े हैं और यहाँ पे सही नेकवाल में एक बाजी बीन की गई है, काली भाई ने ये बाजी बीन की है सोनू भाई से सोनू दीवानगढ़ से, और पूछते हैं जी इनसे कैसा इनकी ये बाजी में कितने इनके कितने लीड से इन्होंने ये जीती है बाजी। तो चलिए भाई से भी बात करते हैं। तो नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। ये भाई जी सबसे पहले हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे पास पहुँचे हो, क्योंकि कबूतरबाजी का शौक बढ़ाने के लिए इसी जे फर्क पड़ता है, जो भी कबूतरबाजी का शौक करते हैं सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत मेहरबानी है कि आप हमारे पास पहुंचे हो। और मैं सभी भाइयों से यही चाहता हूं कि बहुत बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करें। बाजी लगी थी हमारे जवानगढ़ के सोनू भाई और अपने नीतू भाई,
और इन्होंने बाजी जीती है उनसे। 3 दिन की बाजी थी, 16, 18 और 20। 3 दिनों में ये हमारे मितु भाई जीते हैं, 3 दिन में आगे रहे हैं, ये भिन्न रहे हैं, 3 दिनों में भिन्न रहे हैं। अभी सोनू भाई से ये फिर आज भिन्न रहे हैं 3रे दिन, और ये जीते हैं कोई लगभग 12.5 घंटों से जीते हैं, और बहुत मेहनत की है इन्होंने भी। वो देखते हैं कि कई बार बोलते हैं सोनू की बाजी जी, वो आगे पीछे करते हैं, चलो ठीक है, अभी सोनू भाई की बाजी हुई है इनके साथ, चलो ठीक है, क्लियर हो गया। और अभी चैंपियन है हमारे मितु भाई। ये हमारे काली भाई हैं, वो इनका चेला ये आगे रक्षय कुमार, ठीक है, शिकेल, ठीक है, ये हमारे लक्की भाई हैं, सारे आपस में भाई हैं, जो सारे इस मितु की काली की सपोर्ट कर रहे हैं, सारे भाई हैं अपने। और हमारे उस्ताद हैं बंपी भाई, जो नई बस्ती के रहने वाले हैं, उनकी बदौलत ये जीते हैं। और हम ये चाहते हैं कि पंपी भाई का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी बदौलत से हम जीते हैं, और हम चाहते हैं कि उनके और शिगिर्द बने ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, तो वैसे भी हैं, जीते भी उनकी बदौलत से हैं। अभी आपने देखा 17 बाजी हुई है हमारी सही टूर्नामेंट, उधर से भी हमारे जो 3 बंदे निकले उधर से भी 4 बंदे थे इधर उधर के, जो बंपी भाई के चेले हैं, मैं भी उनका चेला हूँ। और सर हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो कैमरामैन के, जो हमें इतना टाइम दिया। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक और भाई जुड़े हैं, वो भी अपना विचार बताना चाहते हैं। जी जी भाई, आप भी बताएं। हमारे पास आए हो पिजन मास्टर क्लब से, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आशा टोड़ी थी हमारी पारसपुरा सही से, तो दीवानगढ़ के सोनू भाई से शर्ट उड़ी थी, जिसमें कालीवीर विनर रहा और दूसरे का नाम भाई मितु भाई, मितु भाई विनर रहे हैं, दोनों भाई उनका शौक था। तो उन्होंने सोनू भाई को शर्त हराई है 3 दिन की, वो उड़ी थी 16, 18 और 20 को, और 3 दिनों में आगे रहे हैं, आगे रहकर उन्होंने जब बाजी को भिन्न किया। तो उसके लिए सारे भाई इधर आए हुए हैं, तो हमारे चैनल वाले भैया दीप भाई आए थे, उन्होंने भी इधर चैनल को बढ़ावा देने के लिए कोतर भाई को अच्छा शौक हुआ उनका। और काली भाई ने विन किया ये टूर्नामेंट, तो पहले बाजी उड़ी थी इनकी 17 से भी उड़ी थी, उसको भी इन्होंने विन कर लिया था छत पे, तो सही में भी वो बाजी आ चुकी है। तो काली भाई और अमित भाई ने विन किया, उसके लिए हम उसको कंग्रेचुलेशन करते हैं। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई ने भी हमारी सपोर्ट की चैनल वालों ने। और इस बाइक के हाथ में कबूतर है जी, जो बाजी में लास्ट में आया, ये देख सकते हैं, इसको स्टैंपें भी वगैरह भी लगी हैं। बताओ भाई, ये देखिए 3 दिन के बाजी में ये उड़ा, और ये देखिए इसके 3 स्टैंपें लगी हैं, ये देखिए। और भाई कुछ बोलने भी चाहते हैं जी। जदों कोई सोनू भरा और बाजी जित रही, वो हर एक कहते ही अं हैंग किया, हैंग किया, उन्होंने हैंग किया। भाई असं 5 कबूतर नाल विनर होए हैं, तो 4 कबूतर साढ़े उपर है, तो एक्टी अं सोनू भाई होने की पूरे तरीके नाल हैंग किया। और दोस्तों ये देख सकते हैं जी, इनके कबूतर बहुत ही अच्छे कबूतर रखे हैं भाई ने। और काफी बड़ा लॉफ्ट इनका। कैसे लगी दोस्तों आज की वीडियो, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और जिस भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और साथ साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर ऑन करें, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक करें।
ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।